आज की क्लास में अगेन हम कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली सीरीज क्या है। जैसे मैंने कहा x की पावर 1 डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल राइट प्लस x की पावर 3। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ऐसा ही कुछ बताया था बट अब इसकी पावर में चेंज आ गया। बस x की पावर 3 डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल। कल क्या था x की पावर 2 और डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल राइट प्लस x की पावर 5 डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 7 और यहां पर 4 का फैक्टोरियल। अब आपको बस ये देखना है कि पावर में प्लस 2 करना है बस। तो हमने जावा डॉट यूटिल लिया, क्लास बना दी, दिस इज मेन एंड वी हैव क्रिएटेड सम वेरिएबल आई और जे। ये लूप्स के अंदर यूज होंगे। एफ इज फॉर फैक्टोरियल एक्स एन और के, और हमने कुछ वेरिएबल बना लिए। जहां कहीं भी डिवीजन होता है वहां पर हम डबल टाइप का वेरिएबल लेते हैं। यहां पर जैसे सम करना है तो मैंने एस ले लिया और उसमें एक इनिशियल वैल्यू रख ली हमने 0.0। तो इसमें आपको दो वैल्यू लेनी पड़ेंगी क्योंकि ये काम हम एन सीरीज तक कर रहे हैं और वो फैक्टोरियल वाली लाइन है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो ऊपर जो पावर है ना वो एन माइनस वन तक है। कहां तक है? एन माइनस वन तक। तो आपने क्या लिया, वैल्यू ऑफ एक्स ले लिया जो बेस है और आपने एन की वैल्यू ले ली राइट। सो आपको सिंपल क्या करना है, यहां पे देखिए दो वैल्यू, आई की वैल्यू 1 और के की वैल्यू 1। आप ये जानते होंगे फॉर लूप में मोर देन 1 इनिशियलाइजेशन हो सकते हैं, मोर देन 1 इनिशियलाइजेशन हो सकते हैं। कंडीशन हमेशा एक होती है, कंडीशन हमेशा कितनी होगी, एक। अब आप नोटिस करेंगे, एक सेकेंड, यहां पर आई प्लस प्लस किया बट के की वैल्यू को हमने प्लस टू किया। के प्लस इक्वल टू 2 का मतलब जानते हैं आप, के इज इक्वल टू के प्लस 2। अरे ये तो पढ़ाया होगा मैंने कभी ना कभी, ये कंपाउंड ऑपरेटर है। फैक्टोरियल निकालने का लॉजिक लगा लिया आपने, एफ की वैल्यू इनिशियली यहां पर क्या रख ली 1, जे की वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई। देखना आई का तो फैक्टोरियल निकाल रहे हैं बार बार, सो जे लेस देन, यहां पर फैक्टोरियल का ये लॉजिक है, एस इज इक्वल टू एस प्लस, ये वो सीरीज है मैथ डॉट पाव। और मैंने यहां पर किया एक्स कॉमा के। आप नोटिस करना इनिशियली के की वैल्यू 1 है, अगले राउंड पे जब आएगा तो प्लस इक्वल टू 2 यानी कि 3 हो जाएगी, देन 5, देन 7, यही चलता रहेगा। और नीचे हम डिवाइड बाई क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल हम निकालते किसका है भाई, फैक्टोरियल हम नॉर्मली जो निकाल रहे हैं वो आई वाला निकाल रहे हैं। देख रहे हैं अब आई प्लस प्लस और आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन और आई प्लस प्लस। मैं तो बस आपको यही बताना चाहूंगा यहां पे तो फाइनली फिर हमने इस वैल्यू ऑफ सीरीज को ही प्रिंट कराया है। इस पूरे प्रोग्राम में अगर कोई भी चीज नई है तो वो ये है कि हमने मोर देन 1 इनिशियलाइजेशन ले लिए हैं, मोर देन 1 हमारे पास अपडेशन है, इटरेशन कहते हैं इस चीज को। और यहां पर आपको चीजों को सेट करना था, पाओ एक्स कॉमा के, के ही तो फिर हमारा ऐसे जा रहा है। चलिए एक प्रोग्राम और देखते हैं, व्हाट इज ऑल अबाउट। पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए, प्राइम पैलिंड्रोम। अब प्राइम पैलिंड्रोम के नाम बहुत सारे होते हैं भैया, पैलिंड्रोमिक प्राइम, पैल प्राइम, अब प्राइम पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोमिक प्राइम। अब होता क्या है ये समझो, ऐसा कोई नंबर जो प्राइम का फीचर रखता हो और उसके साथ साथ पैलिंड्रोम का फीचर हो। तो प्राइम नंबर कौन से थे, ऐसा कोई नंबर जो 1 से डिवाइड हो और अपने आप से डिवाइड। पैलिंड्रोम क्या होता है, बिगिनिंग टू एंड और एंड टू बिगिनिंग,
बिगिनिंग टू एंड और एंड टू बिगिनिंग हर चीजें सेम है। सो यहां पर मुझे आपको ये बताना है कि जैसे 11 हो गया आपका, 101 हो गया, राइट, 131 हो गया, ये सारे प्राइम पैलिंड्रोम नंबर है। तो मैंने इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज, क्लास बन गई, मेन बन गया। अब ये कुछ वेरिएबल बना लिए हमने, आई सी नम रेव, और रेव इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। एक वेरिएबल और बना लिया आर, और यहां काउंटिंग में हमने क्या रख लिया बेटा, जीरो रख लिया। काउंटिंग में हमने यहां पर क्या रख लिया, जीरो। हमने यहां पर स्कैनर नाम की जो क्लास है ना उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि इनपुट लेना हमें। अब कोई भी एक नंबर ले लीजिए, लेट अस अज्यूम आपने 11 ले लिया, राइट, एंटर अ नंबर, और वो वैल्यू, वह वैल्यू हमारी किस में आके स्टोर हो गई बेटा, यहां पर 11। एंटर अ नंबर, नेक्स्ट इंट नाम का मेथड है, वो वैल्यू हमारी नम में आ गई बेटा। अब ये लूप क्या चलेगा, 1 to 11। अब हम नंबर को आई से डिवाइड करते हुए चलेंगे। ये लॉजिक आपको मैं कई बार पहले भी पढ़ा चुका हूं, मॉड्यूलस बाई आई। तो ऑब्वियसली जो नंबर है वो या तो 1 से डिवाइड होगा, ये तो लूप चलता ही चला जाएगा, नम की वैल्यू 11 है पहले, 11 मॉड्यूलस बाई आई, रिमाइंडर 0 आएगा, तो सी प्लस प्लस, और फिर जैसे 2 होगा, 3 एंड सो ऑन, और ये कहां तक चलता चला जाएगा बेटा, टिल 11 तक, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नम बोला है ना। और इसकी जो काउंटिंग है वो कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 11 जो है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 11 से ही डिवाइड होगा। अब यहां पर बस मैंने ये बताया कि उसकी काउंटिंग अगर 2 के बराबर है तो यानी कि वो प्राइम वाला फंडा तो पूरा कर ही चुका है। अब बस हमें पैलिंड्रोम वाला और देखना, तो बस नंबर को रिवर्स ऑर्डर में लेके आना है। नंबर को कौन से ऑर्डर में लेके आना है, रिवर्स। तो इस नंबर की वैल्यू को हमने एक वेरिएबल में रख लिया जिसका नाम क्या, एन। तो एन की वैल्यू भी क्या हो गई भाई साहब, 11 हो गई। अब देखिए ये रिवर्स का लॉजिक है, मैंने यू भी कई बार बताया भी होगा शायद कि एक एक डिजिट को अगर निकालना है, इफ यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट वन डिजिट, तो मॉड्यूलस बाई 10 लगाते, क्या लगाएंगे बेटा, मॉड्यूलस बाई, इट एक्सट्रैक्ट द लास्ट डिजिट, मॉड्यूलस बाई 10। तो भाई साहब 11 को मॉड्यूलस बाई जब 10 करेंगे आप तो 1 निकल कर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो आपको बस ये कहना, रेव, रेव की शुरुआत में वैल्यू कितनी, 0, 0 इंटू 10 0 होता है प्लस 1, तो फाइनली अब रेव की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। अब n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, जब हम डिवाइड बाई 10 करते हैं तो ये लास्ट के डिजिट को रिमूव कर देता है, तो अब n की वैल्यू जो है वो 11 न रहकर कितनी रह गई होगी, 1। अब फिर ऊपर गया, अगर 1 0 नहीं है तो यहां पे फिर 1 मॉड्यूलस बाई 10 किया, 1 मॉड्यूलस बाई 10 किया, अब फिर r में क्या वैल्यू आ गई होगी, 1। अरे भाई 1 मॉड्यूलस बाई 10, तो अब r की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। अब यहां पे देखो, क्योंकि डिजिट को हम शिफ्ट करेंगे ना, तो जब जब हम लेफ्ट में एक एक डिजिट शिफ्ट करते हैं डिजिट को, तो यहां पर रेव इंटू 10, तो 1 इंटू 10 कितना होता है, 10 होता है प्लस r, और r की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 1 कितना हो गया बताओ, 11 हो गया। फिर यहां पर क्या किया हमने, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10 करेंगे गारंटेड 0 आएगा, तो n की वैल्यू अब क्या हो गई होगी, 0। ऊपर फिर चेक क्या किया, ये 0 नहीं है, n की वैल्यू तो अब 0 है, यहां पर आए। अगर रिवर्स की वैल्यू और नम की वैल्यू, रिवर्स की वैल्यू और नम की वैल्यू अगर बराबर है, जो कि है, तो यहां पर क्या बोलेगा, इज अ प्राइम पैलिंड्रोम। तो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, इस लूप के अंदर जो है वो जो लॉजिक है वो रिवर्स करने का लॉजिक है, एक एक डिजिट को निकालने के लिए ये वाली चीज, और उस डिजिट को हटाना है तो n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। सो अगर रिवर्स की वैल्यू नम के बराबर है तो यहां पर मैंने क्या बोला, इज अ प्राइम पैलिंड्रोम नंबर, एल्स इज नॉट अ प्राइम पैलिंड्रोम नंबर।
और ये वाला एल्स किसका है बेटा, दिस वन, कि अगर इसकी वैल्यू सी के सी इज इक्वल टू टू नहीं होता अगर, तो डायरेक्टली बाहर आ जाता वो, यहां पे आता इज नॉट अ प्राइम पैलिंड्रोम नंबर। और यहां पर भी मैंने क्या बोला, इज नॉट अ, अरे भाई अगर वो रिवर्स के बराबर नहीं होता, मान के चलिए अगर वो रिवर्स के बराबर नहीं होता तो फिर उसको वो क्या बोल देता बताइए, मतलब प्राइम तो था बट आई थिंक एक कॉमन बात हमने कर ली है। सो आई होप ये पॉइंट आपको शायद समझ में आया होगा।